नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच लंदन के द ओवल में खेला जा रहा है। इस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की बैटिंग ऑर्डर को लेकर पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया ने सवाल खड़े किए हैं। दानिश कनेरिया ने कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अजिंक्य रहाणे को क्यों बचा रही है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज दानिश कनेरिया के मुताबिक अगर रहाणे फॉर्म में नहीं है तो फिर उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव या फिर हनुमा विहारी को मौका मिलना चाहिए था। अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में कनेरिया ने कहा कि रहाणे को बल्लेबाजी में डिमोट करने से विरोधी टीम को गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अजिंक्य रहाणे को क्यों बचाया जा रहा है। अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो फिर हनुमा विहारी और सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मौका देना चाहिए था। रहाणे फॉर्म में नहीं है और उन्हें नहीं पता है कि उनका ऑफ स्टंप कहां पर है। अगर आपको पता है कि एक प्लेयर का फॉर्म ठीक नहीं है तो फिर आपको उसे टीम से बाहर कर देना चाहिए। आप विरोधी टीम को ये मैसेज दे रहे हैं कि उस बल्लेबाज को आप बचा रहे हैं। टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की बात करें तो उनका प्रदर्शन इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। वो लगातार फ्लॉप होते रहे। चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में अजिंक्य रहाणे 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने 61 रनों की पारी केवल लॉर्ड्स टेस्ट में खेली थी और टीम की जीत में योगदान दिया, लेकिन बाकी बचे मैचों में वो बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं। अजिंक्य रहाणे की खराब बल्लेबाजी के कारण उनके स्थान पर रविंद्र जडेजा को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जा रहा है। अजिंक्य रहाणे इस साल अभी तक एक भी शतक नहीं लगा पाए और उनका खराब फॉर्म कई बार भारत के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।